नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमांशु न्यूज़। मैं आपके साथ मिथुन कुमार शर्मा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बताने के लिए आपके बीच आ गए हैं। आपको ये भी मैं बताते चलूं कि जिसका आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, अब हो सकता है कि ये पल बहुत ही करीब आ गया है। जी हाँ, हम आपको ज़्यादा मुद्दा पर तो बात हम करने के लिए नहीं आए हैं, लेकिन कुछ जनता के बीच मैंने जाकर सुना और देखा तो सब लोग, कुछ उच्च स्तरीय लोग या अच्छे नेता के मुंह से यही बात निकल के सामने आ रही है, जो आप लोग के सामने आज प्रकट करने के लिए हम आ चुके हैं। आपको बता दें कि नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी व तेजस्वी यादव जी, लालू यादव जी, यही सब न्यूज बराबर और आपके कानों तक सुनता होगा, सुनने को मिलता होगा, लेकिन आप कभी भी समझने का प्रयास किए हैं कि इसमें जनता को कितना बड़ा बेवकूफ़ समझा जाता है और जनता ही सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ है जो ये सब नेताओं को बात पर आ जाते हैं और वही टाइप के लोगों को वोट देते हैं। जी हाँ, कुछ दिन पहले यानी अभी तक आपको नरेंद्र मोदी जिंदाबाद और नीतीश कुमार जी के पार्टी के लोग नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद करते नजर आ रहे थे, लेकिन नरेंद्र मोदी के भी पार्टी के लोग नीतीश कुमार जी मुर्दाबाद करते नजर आ रहे थे। तेजस्वी यादव के पूरे पार्टी नीतीश कुमार जी जिंदाबाद जिंदाबाद करते आ रहे थे, यानी कि जिसका नेता जिसका पार्टी उसका जिंदाबाद होगा, बाकी जनता भी वही है। नीतीश कुमार जी को मानते हैं, तेजस्वी यादव जी को मानते हैं, तो नीतीश कुमार जी जिंदाबाद और तेजस्वी यादव जी जिंदाबाद करने लगते हैं। अब यही नीतीश कुमार जी हो सकता है कि नरेंद्र मोदी जी के साथ चले जाएंगे, तो फिर यही जनता कहेगा नीतीश कुमार जिंदाबाद और नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। अब हम आपको बताते हैं कि नीतीश कुमार जी अगर मान लीजिए बीजेपी में जाना क्यों चाहते हैं और तेजस्वी यादव जी का पीछा और साथ छोड़ना क्यों चाहते हैं, सोच लीजिए और समझ लीजिए। नीतीश कुमार जी राजनीतिक में हैं और राजनीतिक एक ऐसा पेच होता है जो अपना परिवार का भी नहीं होता है, उसी के मद्देनज़र रखते हुए नीतीश कुमार जी सोचते हैं और हमेशा सोचते थे और इस बार भी सोच रहे हैं कि मान लीजिए लालू यादव जी तो कह दिए या नीतीश कुमार जी अपना यह मुँह से बोल चुके हैं कि हम अब मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनवाएंगे और मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी रहेंगे। तो तेजस्वी यादव जी अगर मुख्यमंत्री बन जाते हैं और नीतीश कुमार जी अगर आरजेडी में शामिल है, आरजेडी के साथ गठबंधन किए हुए हैं, तो नीतीश कुमार जी कहां से रहेंगे? न इनको राज्यपाल बनने का शौक था, वो भी टूट जाएगा, राष्ट्रपति बनने का शौक है वो भी टूट जाएगा, आखिर प्रधानमंत्री का बनने का भी शौक इनके पास हो गया था तो ये तो टूटले ही है, जैसा कि आप लोग अपने बीच में बतियाते होंगे। लेकिन चलिए उससे हट के आज थोड़ा हम बात करते हैं कि नीतीश कुमार जी भाजपा में इसलिए जाने के लिए सोच रहे होंगे कि मान लीजिए कि नीतीश कुमार जी भाजपा के साथ गठबंधन कर लिए, भाजपा से ये मिल गए, तो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, ये फिक्स है भाई। इस बार अगर नीतीश कुमार जी भाजपा में मिलते हैं तो ये मुख्यमंत्री बनने की लालच से नहीं मिल रहे हैं, इनके अंदर ये लालच होगा कि अगर हम भाजपा के साथ जाते हैं, अगर हम भाजपा में मिल जाते हैं तो हम वहाँ से एक शर्त करवा लेंगे, एक प्रधानमंत्री से वादा करवा लेंगे, तो या तो हमको आप राज्यपाल बनाइए, और राज्यपाल वो होता है जो मुख्यमंत्री से बड़ा होता है, यानी कि एक स्टेट का मालिक राज्यपाल होता है। तो नीतीश कुमार जी मोदी जी से वादा करवा लेंगे कि हमको आप राज्यपाल बना दीजिए, आप किसी और को मुख्यमंत्री बना लीजिए, हम आपके साथ गठबंधन कर लेंगे। हो सकता है दूसरी बात ये भी नीतीश कुमार जी भाजपा को कहेंगे से हमको राष्ट्रपति बना दीजिए, भाजपा वाला कस के स्वीकार करेंगे, राष्ट्रपति हमको बना दीजिए, हम राष्ट्रपति बन जाएंगे, आप मुख्यमंत्री किसी को बना दीजिए। तो नीतीश कुमार जी के ये दो लालच के कारण भाजपा से गठबंधन करना चाहते हैं, लेकिन अब रह गई है आरजेडी के बाद तो आरजेडी में अगर नीतीश कुमार जी रहते हैं तो मुख्यमंत्री तो तेजस्वी यादव जी बनेंगे, मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी बनेंगे तो नीतीश कुमार कहाँ जाएंगे? इनको तो मुख्यमंत्री से छोटा पद आरजेडी में मिलेगा, या तो उप मुख्यमंत्री बनेंगे और नहीं तो किसी न किसी का मंत्री बनेंगे, स्वास्थ्य मंत्री होगी या पर्यावरण स्वास्थ्य मंत्री होगी या शिक्षा मंत्री होगी या तरह तरह के मंत्री जो मुख्यमंत्री से छोटा रहता है। तो तेजस्वी यादव जी कहेंगे नीतीश कुमार जी आप ये काम कीजिए, तो इनको करना पड़ेगा। तो ये सोचते हैं कि इसे जूनियर के साथ ही रहने से अच्छा है कि हम सीनियर के साथ जाएं और सीनियर के साथ जाके एक अच्छा सा पद हासिल कर ले। तो ये घमासान मचा हुआ है पूरे बिहार में, लेकिन जनता, आप जनता हैं और जनता के अंदर पूरा ताकत रहता है, अपना ताकत को खोइए नहीं। अगर नीतीश कुमार जी भाजपा से मिलते हैं तो जिस प्रकार अभी आप नीतीश कुमार जी भाजपा के लोग, सुन लीजिए, भाजपा के लोग जिस प्रकार अभी नीतीश कुमार मुर्दाबाद कर रहे हैं, उसी प्रकार अगर भाजपा से अगर नीतीश कुमार जी मिलते हैं तो आप मुर्दाबाद नहीं कहिएगा, बल्कि अपने पोस्ट पर लिखिएगा घर वापसी हो गया। अरे भाई, यह तो नीतीश कुमार जी को आप लोग वोट दिए थे ना भाजपा से गठबंधन किए हुए थे, तो
तो ये छिटक गए, फिर उनके आरजेडी के लोग जिंदाबाद करने लगे। बताइए आप, फिर से नीतीश कुमार जी भाजपा में आ रहे हैं, आने की बात हो रही है, तो फिर आप लोग जिंदाबाद कीजिएगा। तो सबसे ज़्यादा मूर्ख नेता नहीं जनता होता है, ये साबित हम करने का कोशिश किए हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो अपने रिलेशन को भेजिए, अपने दोस्त को भेजिए और उनको भी समझाने का कोशिश कीजिए। तो नीतीश कुमार जी के अंदर सिर्फ लालच भरा हुआ है, और लालच इसलिए भरा हुआ है कि जब अपने भाई में, अपने रिश्तेदार में राजनीतिक लोग करने लगते हैं तो खैर वो राजनीतिक के नेता है तो वो अपने अंदर राजनीतिक क्यों नहीं करेंगे। जनता मूर्ख नहीं, समझदार बनाइए और अपने हिसाब से वोट दीजिए। जय हिंद।